गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पीसीआर क्लास, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन. द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बिकॉज दिस रिएक्शन इज यूजफुल फॉर एम्पलीफाइंग द डीएनए मॉलिक्यूल. दैट मीन्स द सिक्वेंस ऑफ द डीएनए इज गोइंग टू द एम्पलीफाई थ्रू ए रिएक्शन. The reaction is named as PCR, that is polymerase chain reaction. Actually, it is the name of the reaction and it is a exponentially progressing synthesis of a target DNA sequence. But this reaction takes place in vitro. The amplification of the DNA takes place by the two ways, number one in vivo and number two in vitro. If we are going to the exponentially progressive synthesis of the target DNA by in vivo method, then we are talking about the DNA replication. The DNA replication is the in vivo method in which each and every cell amplify its target DNA molecule by process of a simple process of the DNA replication that involves the number of the enzymes that are called together ribosomes, and in different steps and different manner like initiation, elongation and termination. But whenever we are talking about the in vitro method, or we can say in better way that a machine method, then it is called PCR. PCR is the name of the reaction, but the machine which are used in this process is called thermocycle. तो थर्मोसाइक्लर वो मशीन का नाम है जिससे कि हम डीएनए किसी भी टारगेट डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं. लेकिन ये जो एम्पलीफिकेशन का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम चेन रिएक्शन के मोड में होता है, इसलिए इसको हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं. अब ये जो रिएक्शन है, इसको सबसे पहले इन्वेंट किया गया था डॉक्टर कैरी म्यूलिस द्वारा 1983 में. एक्चुअली इतनी जल्दी किसी को नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता है, लेकिन पीसीआर का इतना ज़्यादा वाइड एप्लीकेशन है कि इनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ बहुत ही अर्ली में, यानी कि 1993 में केमिस्ट्री का जो है वो नोबेल प्राइज़ दे दिया गया था. तो आप ये समझ सकते हैं कि 1983 में जो टेक्निक इन्वेंट हुई और 1993 में उस टेक्निक के लिए अगर किसी को नोबेल प्राइज़ मिला हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो टेक्निक कितनी यूजफुल रही होगी. और इसका वाइड एप्लीकेशन होने की वजह से जो कॉमन नेम है पीसीआर का, इज आल्सो कॉल्ड एज पीपल च्वाइस रिएक्शन. यस, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज पीपल च्वाइस रिएक्शन बिकॉज पीसीआर इज़ यूज अकॉर्डिंग टू द पीपल डिमांड्स. ये अकॉर्डिंग टू पीपल डिमांड्स के रूप में यूज होता है. जब हम एप्लीकेशन पार्ट को इसके देखेंगे, तो आप आसानी से समझ सकते हैं इसको कि इट इज़ यूज्ड अकॉर्डिंग टू द पीपल डिमांड इन ईच एंड एवरी एरिया. अब जैसे अभी आप देख रहे हैं COVID-19 चल रहा है, और इसका भी जो टेस्ट हम कर रहे हैं वो पीसीआर मेथड से ही कर रहे हैं. बस उसी का एक लेटेस्ट वर्जन है आरटीपीसीआर, बट बेसिकली वो भी पीसीआर ही है, बट एक टाइप है पीसीआर का आरटीपीसीआर, और वो हमारा COVID-19 का कन्फर्मेटरी टेस्ट है. तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि पीसीआर है क्या, व्हाट इज़ द पीसीआर रिएक्शन एंड व्हाई पॉलीमरेज. तो इट इज़ कॉल्ड पॉलीमरेज बिकॉज द एंजाइम यूज्ड फॉर दिस रिएक्शन इज डीएनए पॉलीमरेज. जैसा आप डीएनए रेप्लिकेशन में भी देखते थे, द एम्पलीफिकेशन ऑलवेज इन्वॉल्व द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पॉलीमरेज रिएक्शन. लेकिन यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज होगा, वो डीएनए रेप्लिकेशन के डीएनए पॉलीमरेज का ही होगा, लेकिन वो जो डीएनए पॉलीमरेज होगा यहाँ पे, वो थर्मोस्टेबल टाइप का डीएनए पॉलीमरेज होगा. यानी ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा, ये काफ़ी हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करने वाला एंजाइम होगा. अब दूसरी बात, इसको हम चेन रिएक्शन क्यों कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड चेन रिएक्शन, बिकॉज इट टेक्स प्लेस इन चेन मैनर. चेन मैनर क्या होता है, ये जो रिएक्शन होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि जो साइक्लिक मैनर में होता है, चेन मैनर में होता है. डैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ द वन रिएक्शन टेक्स प्लेस, या वी कैन से एक्ट एज ए रिएक्टेंट फॉर द नेक्स्ट वन.
जो भी प्रोडक्ट है किसी भी रिएक्शन का, वो अगले रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट का काम करेगा, इसलिए आप इसको चेन रिएक्शन कह सकते हैं। आप केमिस्ट्री में देखते होंगे, चेन रिएक्शन पढ़ते होंगे, तो वहाँ पे आपको यही बताया गया है कि चेन रिएक्शन की डिफिनीशन हम क्या देते हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एक रिएक्शन का प्रोडक्ट अगले रिएक्शन का रिएक्टेंट का काम करे। यहाँ पर भी वही होता है, जब एक टारगेट डीएनए एम्प्लीफाई होता है तो वो नेक्स्ट साइकिल के लिए टेम्पलेट डीएनए की तरह काम करता है, इसलिए इसको हम चेन रिएक्शन कहते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि किसी भी पीसीआर रिएक्शन में क्या क्या कंपोनेंट हैं। तो अगर हम पीसीआर रिएक्शन को हम रिएक्शन कंपोनेंट की तरह देखें तो इसमें टारगेट डीएनए है, प्राइमर्स हैं, डीएनटीपी है, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है, मैग्नीशियम आयन है एंड बफर सॉल्यूशन है। अब वन बाय वन अगर हम देखना चाहें तो टारगेट डीएनए हम किसको कहेंगे। टारगेट डीएनए का मतलब ये हुआ द डीएनए विच आर गोइंग टू बी एम्प्लीफाई, जिस डीएनए के फ्रैगमेंट को आप एम्प्लीफाई करेंगे वाया द पीसीआर इज कॉल्ड टारगेट डीएनए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि द टारगेट डीएनए ऑलवेज इन डबल स्टैंडर्ड मैनर, इट शुड बी इन डबल स्टैंडर्ड, दैट मीन्स द टारगेट डीएनए कैसा होना चाहिए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होना चाहिए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का पीसीआर नहीं हो सकता, ये आप जान जाएं। नेक्स्ट है पेयर ऑफ प्राइमर। अब यहाँ से भी क्लियर है कि हमारा टारगेट डीएनए हमेशा डबल स्टैंडर्ड होना चाहिए था, क्योंकि हम जो यूज कर रहे हैं वो पेयर ऑफ प्राइमर यूज कर रहे हैं। पेयर ऑफ प्राइमर है, दो प्राइमर है, तो वन ऑफ द प्राइमर यूज फॉर वन टेम्पलेट डीएनए, अनदर प्राइमर यूज फॉर द अनदर टेम्पलेट डीएनए। सो द टारगेट डीएनए और टेम्पलेट डीएनए इज ऑलवेज इन डबल स्टैंडर्ड मैनर एंड फॉर दिस डबल स्टैंडर्ड टेम्पलेट डीएनए वन पेयर ऑफ प्राइमर इज यूज। अब प्राइमर क्या होता है, प्राइमर इज द ऑलिगोनिक्लोटाइड सिक्वेंस। प्राइमर को हम क्या बोलेंगे, ऑलिगोनिक्लोटाइड सीक्वेंस बोलेंगे। आप जानते हैं छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस होते हैं, लेकिन यहाँ एक खास बात यह है कि हम जब डीएनए एप्लीकेशन देख रहे थे तो वहाँ पर भी प्राइमर था, और हम आज पीसीआर देख रहे हैं यहाँ पर भी प्राइमर है, लेकिन दोनों प्राइमर में डिफरेंस है। डीएनए एप्लीकेशन में जो प्राइमर हमने यूज किया था आपको याद होगा वो आरएनए प्राइमर था, वहाँ पे सेल खुद यूज कर रही थी लेकिन वो आरएनए प्राइमर था, लेकिन यहाँ पे जो इन विट्रो मेथड है, जो मशीन मेथड है डीएनए एम्प्लीफिकेशन का, यहाँ पे जो प्राइमर होगा वो डीएनए प्राइमर होगा, आरएनए प्राइमर यहाँ नहीं होता, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट है डीएनटीपी। डीएनटीपी मींस डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। ये तो रॉ मटेरियल है, आपको पता है चार तरह के डीएनटीपी होते हैं, ऑन द डिपेंडिंग अपॉन द बेसिस ऑफ द फोर काइंड्स ऑफ बेसिस, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। चार तरह के बेस होंगे तो चार तरह के न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट भी बनेगा उनका, एक डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी, डीटीटीपी। तो ये क्या है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो कि प्राइमर को एक्सटेंड करेंगे, डीएनए को एम्प्लीफाई करने के लिए आप कह सकते हैं कि ये एक ब्रिक्स का काम करते हैं जो डीएनए को एम्प्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। हमने पहले ही कहा था कि ये पीसीआर रिएक्शन है, पॉलीमरेज रिएक्शन है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता, लेकिन जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है। अब थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज का मतलब क्या हुआ, ये एक ऐसा स्पेसिफिक टाइप का डीएनए पॉलीमरेज है जो एक हॉट स्प्रिंग बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है, एंड द नेम ऑफ दिस हॉट स्प्रिंग बैक्टीरिया इज थर्मोफिलस एक्टिकस। दिस थर्मोफिलस एक्टिकस इट इज़ ए हॉट स्प्रिंग आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया है जो कि एक हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव करता है, तो इसका निश्चित तौर पर जो एंजाइम होगा वो थर्मोस्टेबल होगा, हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव करेगा, अबव दैन 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ये डिग्रेड नहीं होता। इसके बाद मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन एक कोफैक्टर है, कोफैक्टर है किसके लिए, इस टैग पॉलीमरेज के लिए, टैग पॉलीमरेज को की स्टेबिलिटी को ये बढ़ाता है, इसके रिएक्शन को बढ़ाता है। अच्छा अगर मैं आपको यहीं पे बता दूँ, टैग पॉलीमरेज की जगह पे आप दूसरा भी एंजाइम है वेंट पॉलीमरेज, इसको भी यूज करते हैं, VENT वेंट पॉलीमरेज भी यूज कर सकते हैं। फिर बफर सॉल्यूशन है। बफर सॉल्यूशन जैसा आपको पता है कि ये पीएच मेंटेन करेगा, आयनिक स्ट्रेंथ मेंटेन करेगा, और पूरे रिएक्शन के जो ऑप्टिमम पीएच है उसको बना करके रखेगा। तो इस तरीके से ये पीसीआर रिएक्शन हमको अब देखना है। ये तो कंपोनेंट्स हो गए, किस तरीके से होगा, ये पीसीआर ट्यूब है, ये थर्मोसाइक्लर है। तो अभी के क्लास में मैं तो आपको बता दिया कि ये पीसीआर ट्यूब में सारे जो कंपोनेंट मैंने बताया उस सारे कंपोनेंट को लेते हैं और उसका एक मास्टर मिक्सचर बनाते हैं जिसमें इस थर्मोसाइक्लर में रख देते हैं, और फिर वो नंबर ऑफ साइकिल सेलेक्ट करते हैं। तो नंबर ऑफ साइकिल किस बेसिस पर सेलेक्ट करेंगे,
ये जब मैं आपको स्टेप्स ऑफ पीसीआर बताऊंगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टेप्स ऑफ पीसीआर क्लियर करूंगा, तो आपको बहुत